अभी लिखा हुआ है ये दिल्ली की है, आइडिया लगाओ कि ये कहाँ की है, यकीनन आइडिया लगा लिया होगा। सो ये है बेसिकली रेल नियर की है और ये जो है 1 लीटर है। भाई कह रहे हैं अंग्रेजी 60 रुपए की है, 60 रुपीज की है, और ये वाली जो हमारी पाकिस्तान की बनी हुई चाय है वो 30 रुपए की है। हाँ सही है, पहले से पानी साफ है। एटीट्यूड तो चेक सखर रोड़ी आए हैं और सखर रोड़ी में सुबह के टाइम पर मतलब गाड़ी 20 मिनट लेट है और रात में बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगी है, तो मैंने कहा चलो अभी नींद से उठने का दिल नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा कि मैं आप लोगों से जो है वो रोड़ी का जो स्टेशन है वो मैं आप लोगों से थोड़ा दिखाती हूँ कि यहाँ पर स्टेशन किस तरह का है। मतलब ये स्टेशन जो है बिल्कुल वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, पहाड़ी होते हैं ना, मतलब पहाड़ होते हैं। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हैं और इसके अलावा ये बैक साइड पे पत्थर देख रहे हो, मतलब ये पत्थरों वाला इसका जो है वो स्टेशन है रोड़ी का। और मेरे बाल भी कुछ इस तरह के बने हुए हैं। सो रेलवे स्टेशन रोड़ी का जो रेलवे स्टेशन है बेसिकली ये मेरे दिल के मेरे हार्ट के बहुत करीब है, बिकॉज मेरे बाबा यहीं पर ही रहते हैं, तो उनकी कवर यहीं पर ही है, तो वो यहीं पर ही रहते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर मैं जब भी आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। एनीवेज अभी हम लोग यहाँ पर चाय लेते हैं और उसके बाद जो है वो देखते हैं अगर रोड़ी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सके तो। ये कुछ शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पर और एक पुल बना हुआ है। हाँ यहाँ की एक चीज है कि यहाँ पर जो है वो लोग बहुत ज्यादा घूरते बहुत हैं, ये चीज मैंने देखी है। ये चीज मैंने लाहौर में भी देखी थी, अब पता नहीं क्यों घूरते हैं, बट ये है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घूरते हैं और अभी भी मुझे सारे ही घूर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे भी पानी भर रहे हैं ऊपर ट्रेन में और सारी चीजें चेक होती हैं, टायर चेक होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है ये जो पाकिस्तान का, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो पानी वगैरह के लिए रोका जाता है और ये सबसे ज्यादा यहीं पर ही स्टॉप होती है ट्रेन, और उसके बाद जो है वो फिर ये अब जाके हैदराबाद रुकेगी। चाय कितने की है? 60 रुपए की। कौन सी चाय है? ये मशीन वाली है, ये पाकिस्तानी है। गाड़ी खड़ी है भाई, गाड़ी खड़ी है, मेरा भाई पराठे छोड़े रह गए, आराम से। चाय पराठे, ये हमारी पाकिस्तानी चाय है, तो देखते हैं मशीनी लेते हैं या पाकिस्तानी चाय लेते हैं। ये पाकिस्तानी 30 रुपए की है जी, अंग्रेजी जो है 60 रुपए की है। भाई कह रहे हैं अंग्रेजी 60 रुपए की है, 60 रुपीज की है, और ये वाली जो हमारी पाकिस्तान की बनी हुई चाय है वो 30 रुपए की है, लेकिन अच्छी है, दूसरे स्टेशन से इनकी चाय अच्छी है, तो मैं पी लेना इन लोगों के पास जब भी आओ, अच्छी चाय है इनकी। चाय ली है मैंने, मशीन वाली चाय है और अच्छी है। फाइनली मुझे अब जाके किसी स्टेशन पे अच्छी चाय मिली है, उसका टेस्ट अच्छा है। और यहाँ पे कब धो रहे हैं ये लोग,
साफ भी आता है कि नहीं? साफ है, साफ है। पहले से पानी साफ है और यहाँ पे चार्जर वगैरह भी है और ये यहाँ पर चार्ज वगैरह आप सेट चार्ज कर सकते हो फोन को। चार्ज करने के कितने पैसे हैं? 20 रुपीज हैं। कितनी देर के लिए? आधा घंटा। अच्छा चाहिए, यहाँ पर सिंधी चीजें भी लगाई हुई हैं इन्होंने, अगर कोई जैसे पैसेंजर्स खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। काफी अच्छी चीजें लगी हुई हैं इन लोगों के पास। इसका बहुत ज्यादा फेमस हलवा है, मुल्तान का है और मतलब मुल्तान की सौगात जो है वो हर कोई परचेज करने की ख्वाहिश करता है और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनको गिफ्ट भी देते हैं ये लोग और काफी फेमस भी है। So, अगर आप लोग परचेज करना चाहो तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। ये कल्चरल इनकी जैकेट है। अदा ये हाथ से बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं जैकेट? और भी बहुत सारी चीजें हैं, खजूरे हैं, सिंधी टोपी है इनके पास। सखर रोड़ी की स्टेशन की यही खासियत है, यहाँ पर आपको यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग ये चीजें मिल जाती हैं। और ये अचार शिकारपुर का। अदा ये अचार कैसे दे रहे हो? चार 150 रुपए किलो। अच्छा 150 रुपए किलो अचार है शिकारपुर का अचार, बहुत फेमस अचार होता है ये शिकारपुर का। फाइनली मुझे धूप मिल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी में बहुत धूप की बहुत जरूरत होती है। हाय छोटू, कैसे हो? क्या नाम है तुम्हारा? सफेद। अच्छा सफेद नाम है, नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। लाहौर का डिस्टेंस तकरीबन 1210 किलोमीटर है, मतलब 1210 किलोमीटर्स जो है वो डिस्टेंस बनता है बाय रोड। अगर बाय रोड वाया मुल्तान मोटरवे के जाते हैं तो तकरीबन 15 आवर्स में आप कराची से लाहौर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। वो सामने ब्रिज है सखर रोड़ी का, बहुत फेमस ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है। वैसे ट्रेन में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू बाय रोड, ट्रेन तकरीबन 18 आवर्स लेती है बाय कराची टू लाहौर। नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ये सामने ब्रिज है और ये ऊपर सारा कब्रिस्तान बना हुआ, ये सखर की तरफ जा रही है, शिकारपुर और सखर का वो रोड लिंक कर रहा है। Yeah.
सबसे शान है सखर की, ये पहाड़, पहाड़ों के बीच से ये ट्रेन गुजरती है। और एक वक्त होता था जब हम छोटे होते थे और इन पहाड़ों को देखने की ख्वाहिश करते थे। ये गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं जो बस्ती वाले होते हैं, ये उनकी लाइफ है। ये पुल जा रहा है पत्थर का। सुनो, तुमने बिजनेस बनाया हुआ है भाई छोटू। सारे पैसे तुम्हारे निकाल लो, झूठ बोल के पैसे खा रहा है और आगे से अभी बातें सुना रहा है। एटीट्यूड तो चेक कर इसको कराची में क्या करेंगे? वीडियो बना ली इसकी, अब देखने में ट्रेवल पे वो तो घुसोगे, हम नहीं फंसते। मैं खुद इस डिपार्टमेंट में आता तो मुझे क्या फंसाओगे। तो जी, ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन है और 12 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तकरीबन 1.5 घंटे डिले के बाद। क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, रेलवे स्टेशन इतना ख़ास नहीं बना हुआ। यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के बाद हम कराची पहुँच जाएंगे, तो कराची में मिलते हैं। आइडिया लगाओ कि ये कहाँ की है, इतना आइडिया लगा दिया होगा। सो ये है बेसिकली रेल नियर की है और ये जो है 1 लीटर है, 15 रुपीज इंडियन रुपीज की जो है वो ये मिलती है। अच्छा, इस पे IRCTC लिखा हुआ है, मतलब इंडियन जो रेल है, रेलवे, उसके बारे में लिखा हुआ है, ये उस कंपनी की है। अच्छा, इसमें हिंदी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम पैकेजिंग, और हिंदी में भी लिखा हुआ है साथ में, और रेल नियर ये भी हिंदी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इन लोगों की एक वेबसाइट भी लिखी हुई है, ecatering.irctc, और ये कुछ हिंदी में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अभी लिखा हुआ है ये दिल्ली की है। कराची हम पहुंच गए हैं फाइनली
7:30 के बैठे हुए 5 बजे पहुंचे हैं। 2:40 की टाइमिंग है। ये हमें हेलो करने आया। हाय डॉगी। वो हमारे दादा जी। जाने के लिए और वो बच्चा सेल्फी ले रहा है। रांची चाहिए जा रही है लाला मूसा कराची मिल्लत एक्सप्रेस। सो फाइनली कराची की हवा लग गई है। ये टाइम के बाद जाकर हम कराची पहुंच गए हैं। तकरीबन 20 घंटे का टाइम इन्होंने लगाकर हमें कराची पहुंचाया है। कराची में तो बहुत गर्मी है, सर्दी का ही लगे हुआ है। माय गॉड, ये देखो कराची का स्टेशन, यही वह स्टेशन है जहाँ से हम लोग